हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है एसक्यूएल सर्वर को लेकर के। आइए देखते हैं एसक्यूएल सर्वर में आज खास क्या है। तो यहां पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हमें ओपन करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, यहां पे एसक्यूएल ही डायरेक्ट टाइप करेंगे। तो यहां देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2019 मेरे पास है, इसको मैंने ओपन किया है। और जब ओपन करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना। जैसे मेरा अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो देखिए इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने पे ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एक्शन नीडेड नो इंटरनेट। तो यहाँ पर जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो ये नहीं चलेगा। तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा। देखिए ये कनेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, तो इंटरनेट से इसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गया हूं। तो ये कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और जब कनेक्ट हो जाएगा तब हमें यहां पर ऐसी चीजें मिलेंगी। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है डेटाबेस। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस जो पहले से बने हुए हैं उनकी एक लिस्ट दिखाई पड़ती है। आप चाहे तो क्वेरी के थ्रू भी डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के दो तरीके, आप यहाँ पर डेटाबेस वाले ऑप्शन पर जाइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू डेटाबेस सीधा बना लीजिए। क्लिक करेंगे यहाँ एक बड़ी सी विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, क्वेरी लिख के बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू क्वेरी दी गई है, इस न्यू क्वेरी पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी और वहां पर अब आपको डेटाबेस बनाने के लिए कोड लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको? लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस। क्या लिखना है? क्रिएट डेटाबेस। ये इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख दीजिएगा और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं स्कूल डी, ठीक है, ये नाम दे दिया है डेटाबेस का। और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देंगे। टर्मिनेशन देने के बाद यहाँ पर देखिए स्कूल डी नाम से पहले से मौजूद है तो इस नाम से डेटाबेस बनेगा नहीं, तो यहाँ पे टू भी आगे लिख देता हूं, अब ये डेटाबेस बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्सिक्यूट करेंगे तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ आ गया है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये स्कूल डी टू नाम से डेटाबेस भी बन गया है। अब ये दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसे रिफ्रेश नहीं किया। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो स्कूल डी टू वाला डेटाबेस भी यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है स्कूल डी टू वाला डेटाबेस, ठीक है। जब डेटाबेस बन जाएगा तब आप टेबल बनाना शुरू करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए कमांड लिखेंगे क्या? क्रिएट टेबल, ठीक है। हालांकि आप टेबल यहां से भी बना सकते हैं, स्कूल डी टू पे जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, तो यहां पर जो है आप टेबल भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे टेबल? देखिए आसान तरीका तो यह है कि डबल क्लिक करिएगा तो यहां पे टेबल आएगा और यहां पे जाके राइट क्लिक करके न्यू टेबल आप बनाइए। यहां से जाके टेबल पे क्लिक करके, जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी और ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली है। इस तरीके से आप डेटाबेस टेबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेरी के थ्रू जाना चाहते हैं तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल टी कर देता हूं और यहाँ टू लिख देता हूं, ठीक है। ये टेबल का नाम हो गया आपके। और आईडी का जो डेटा टाइप होगा, अच्छा ये चीज जो लिखी जाएगी ये बिना किसी सिंगल इंटेड कॉमा के लिखी जाएगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा इसके जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा। और यहाँ पे दे देते हैं कि इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? नॉट नल प्राइमरी की, यानी इसे हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। तो जिस तरीके से आप एक्सेस में करते हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे अब आएगा क्या? नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे कर दीजिए नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ऐसे करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसानी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे देना ये, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप मैं दे देता हूँ वेयर कैर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे साइज रख देते हैं 20। अब ये हो गया। अगर आपको सिर्फ दो ही रिकॉर्ड रखने हैं तो दो रख सकते हैं, और दो रखने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है टेबल को रन कराने की, ठीक है। तो यहां से जाएंगे और यहां से एक्सिक्यूट पे क्लिक करेंगे, तो एक्सिक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है सक्सेसफुली रन हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी ये टेबल हमारी बन गई है और ये टेबल बनी है स्कूल टी टू नाम से, ठीक है। अब एंटर करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आखिरकार हमें कैसा दिखेगा। तो इसके लिए क्या कमांड्स वगैरह टाइप करने हैं उसको देखना होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो देखना है उसके लिए कमांड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा exec यानी एक्सिक्यूट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? लिखना है sp_help, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है और फिर आप अपने टेबल का नाम देंगे, तो जो भी टेबल का नाम है वो यहाँ पे दे देंगे। तो सिंगल इंटेड कॉमा में
हम स्कूल टी टू जो टेबल है हमारी वो दे देते हैं, तो स्कूल टी टू हो गया और यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेंगे और अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ से इसको चलाएंगे एक्सिक्यूट करेंगे। तो ये टेबल हमारी है इनक्लोज कोटेशन मार्क, यहाँ पर एक सिंगलटेड कॉमा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे दे दिया हमने। अब इसको जो है यहाँ से रन करवा दिया, तो आप देखेंगे कि जो भी इसका डेटा टाइप वगैरह है वो ये लिखने से, ये कमांड, अब देखिए ये जो है ना, आप यही माई एसक्यूएल यूज करेंगे ना तो यहां पर ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको केवल डीईएससी चला देना होगा और उससे आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, बिना इसके आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं और यहां से आपको पूरी टेबल की डिटेल मिलेगी। देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी इंट है, ठीक है, और यहां पर लेंथ क्या दिया गया है यहां पे सब देख सकते हैं और सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। कैर वैर कैर क्या कैसे है सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं कि देखने को आपको मिल जाती है यहां पर। ये देखिए यहां पर नलेबल, यानी कि यहां पर इसको खाली छोड़ा जा सकता है, तो यहां पर नो हमने दिया था तो यहां पर नो है। तो जिस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर है वो इस कमांड को लिखने से, देखिएगा इस कमांड को लिखने से ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा सकते हैं, चलिए उसको सीखेंगे हम आगे। आइए देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कराया जाए। तो यहां पर आपको लिखना है इंसर्ट इंटू, इस तरीके से लिखेगा इंसर्ट इंटू, और इंसर्ट इंटू लिखने के बाद टेबल का नाम आपको देना है। तो पहले तो इंसर्ट इंटू लिख दीजिए, और इंसर्ट इनटू लिखने के बाद यहां पर स्कूल एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, और यहां पे देखिए ये टी टू नाम से है, तो यहां पे जो नाम है वही नाम आपको देना है। और अब हमें क्या करना है, जो जो फील्ड नेम है, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी है तो रजिस्ट्रेशन आईडी को उठाइए यहां से कॉपी कीजिए, और कॉपी करके यहां पर हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद अब क्या बचा है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट बचा है, तो ये भी ले लेते हैं। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट को भी उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद फिर इसको भी, यानी क्लास को भी लेना है आपको, ठीक है, और यहां से क्लास को उठाइए, कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, यहां से कॉपी कर लीजिए। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। और ये जो है आप इसको बंद कर दीजिए, और बंद करके क्या करना है आपको, सिंपली एंटर प्रेस कर देना और यहां पे देना है वैल्यूज। अब जो वैल्यूज देनी है ना वो यहां से देना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन आईडी आप क्या देना चाहते हैं, तो यहां पे चूंकि वेरकर लिया हुआ है तो R001 कर देते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। अब सिंगल ट्रेड कॉमा को क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, सिंगल ट्रेड कॉमा में नेम भी लिखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं रितेश, ये नेम लिख दिया हमने, और ये नेम लिख के सिंगल ट्रेड कॉमा को क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे 12 दे देते हैं क्लास का नाम, और चूंकि ये कैर है तो 20 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल इतना जाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आपको कर देना इसे टर्मिनेट, और टर्मिनेट करके एक साथ सेलेक्ट करके एक्सिक्यूट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहां पर चूंकि देखिए ये बता रहा है कि डेटा टाइप हमने इंट ले रखा है, जिसकी वजह से यहां पर ये काम नहीं करेगा, तो आपको सिंपली 1 देना होगा या 00। अब ये तो चूंकि अब नंबर है तो नंबर में सिंगल ट्रेड कॉमा रहता नहीं है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं नंबर में कुछ भी, ठीक है। और तब जबकि यहां से हम चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब देखिए 1 रो अफेक्टेड हो गया। अब आप सेलेक्ट कमांड का यूज करके और इसको देख सकते हैं, टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड आए हुए हैं इसको देख सकते हैं। तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम देना है, तो स्कूल टी टू जो भी नाम है इसमें तो वो यहां पे दे देंगे। तो ये इस तरीके से दे दिया, और यहां पर एक बार गैप भी दे देते हैं, और अब यहां पे टर्मिनेशन दे देंगे। टर्मिनेशन देकर के यहां से इसको सेलेक्ट करना और एक्सिक्यूट करना। तो देखिए एक रिकॉर्ड तो आपको इंसर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक बार आपने ये कर लिया तो यहीं से आप चेंज करते जाइए। ये अनडूइंग की सुविधा इसमें नहीं है कि आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं कंट्रोल जेड करके या ऐसा कुछ करके, जो आप टेक्स्ट एडिटर या स्प्रेडशीट वगैरह में करते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर एक बार आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो इंसर्ट ही रहेगा, जब तक कि आप डिलीट कमांड का यूज करके उसे डिलीट नहीं करेंगे या रिमूव नहीं करेंगे। अब यहां पर दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, और यहां पर उसका नाम है राज, RAJ, क्लास 12 ही है। तो अगर आप इसको दोबारा से रन करवाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर ये एक्सिक्यूट हो जाएगा, और दोनों ही रिकॉर्ड्स आपको यहां पर फाइंड होते हुए नजर आएंगे। तो जब एक्सिक्यूट करेंगे इसको, तो देखिए मैंने मिटाया तो नहीं, मतलब उसको हटा के दूसरा कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी पहला रिकॉर्ड तो मौजूद है कि नहीं है, तो दोनों ही रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और दोनों ही आपको दिखाई पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और खासतौर पर ये कमांड, ये जो है ना एक्सिक्यूट SP_help,
ये वाला कमांड आपको जरूर समझ में आया होगा और सारी बातें आई होप की समझ में आई गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।